कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम हर दिन की तरह कक्षा 11वीं से करेंगे, जिसमें हम गणित में समुच्चय पाठ को आगे पढ़ेंगे, यानी सेट्स को आगे पढ़ेंगे, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन को आगे पढ़ेंगे और आखिरी में हम जीव विज्ञान में जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो ए बी सी है, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय ये जो ये समुच्चय दे रखा है उसके हमें उपसमुच्चय निकालने हैं। उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा ए समुच्चय, तीसरा बी समुच्चय, चौथा सी समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? ए बी समुच्चय, ए सी समुच्चय और बी सी समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उपसमुच्चय करना सीखा। उपसमुच्चय करना सीख गए बच्चों, अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उपसमुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाएं, तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो ये आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या दे सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उपसमुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उपसमुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है, हमने उपसमुच्चय को समझ लिया कि उपसमुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उपसमुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम
इन सारे उपसमुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उपसमुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उपसमुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक यू से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? यू से। और इसके उपसमुच्चय को अक्षर ए बी सी आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक ए समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है, एक्स कक्षा पांचवी अ के विद्यार्थी हैं। बी समुच्चय क्या कहता है, एक्स कक्षा पांचवी बी के विद्यार्थी हैं। सी के समुच्चय क्या कहता है, एक्स कक्षा पांचवी सी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा, ए जो है कक्षा ए के विद्यार्थी हैं, बी वाले पांचवी बी के विद्यार्थी हैं और सी वाले पांचवी सी के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाए। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, x कक्षा पांचवी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और a और b और c तीनों u में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा पांचवी के विद्यार्थी हैं, कक्षा पांचवी है, कक्षा पांचवी a, कक्षा पांचवी b, कक्षा पांचवी c, ये तीनों उस पांचवी कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कक्षा पांचवी के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक बी समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, यू बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और विस्तार में जानना है और विस्तार में प्रश्न करने हैं तो आप मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल क्या होते हैं, संवृत अंतराल क्या होते हैं और वेन आरेख किसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम
जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, वीरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था, और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस का चित्र है, जिसमें कि मैंने RNA और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी NCERT किताब का चित्र है, और ये वायरस तंबाकू मोजाइक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग है, शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूंछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम वीरियोड को समझेंगे। सन 1971 में टीओ डाइनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। वीरियोइड मुक्त आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं, और शैवाल वाले भाग को हम शैवलाज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों
यह अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और वीरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों, आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमीय या फिर इनवर्टिबल कहलाता है। यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है gof बराबर ix तथा fog बराबर iy। ix का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और iy का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है। यानी gof तथा fog दोनों का ही मान तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आ जाए तब फलन g को फलन f का वियोग कहते हैं और इसे f इनवर्स यानी f की पावर माइनस a द्वारा प्रकट करें। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पर A की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग A पर जा रही है, B की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग B पर है, इसी प्रकार C की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग C पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। G of F बराबर I of X तथा F of G बराबर I of Y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। यानी gof ऑफ x बराबर x के आ जाए जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा एंड fogx भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि gof बराबर आ गया है तत्समक फलन के
तो जी बराबर आ गया है तब समझ। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y से प्रांत को जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन जहां कैपिटल y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृत संख्या है जहां पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y belongs to capital Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3 जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y के और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3 यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख दिया है यानी हमने यहाँ से x का मान लिया है। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y के टर्म में यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3 बटे में 4 काम किया है इसको हम gy से परिभाषित करेंगे gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4 और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले g o f x लेंगे। इसके लिए g o f x बराबर होगा g of f x परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि f x का मान 4x जमा 3 क्या करेंगे इस fx की जगह पर इस fx का मान जो है क्या 4x जमा e बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3 यहां से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y थीटा 3 बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3 बटे में 4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तब समान फलन है यानी g of x जो है वो बराबर आ गया है तब समान के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है बराबर है i n तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब f g निकालते हैं। f g of y क्या है? f g of y बराबर होगा f ब्रैकेट में g y के लिए। g y का मान क्या है? g y का मान है y माइनस 3 बटे में 4। तो हम g y की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 रखेंगे। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है? अब y माइनस 3 बटे 4 हमें रिप्लेस करना है x से। तो हम x की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 को प्रतिस्थापित करते हैं। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे 4 जमा 3 और 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। आ गया आई एन के।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी छठी से दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो दोस्तों, आज भी हम इस अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए निषेचन से शुरू करते हैं। अब निषेचन क्या है? अब दोस्तों, निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है और ये युग्मनज गर्भाशय की ओर यानी कि वोम्ब की ओर जाने लगता है, जहां पर इसका अंतरोपण हो जाता है और यहां पर ही इसका आगे का विकास होगा, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये निषेचन होता कहाँ पर है उसको हम जान लेते हैं। निषेचन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, निषेचन को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये शुक्राणु अंडाणु की ओर जा रहे हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी कर सकें। ये बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं अपनी पूंछ की मदद से। अब अंडाणु कोरोना रेडिएटा की कोशिका से ढका होता है, जिसको इन शुक्राणुओं को क्रॉस करना होगा, जिससे कि ये उसकी बाहरी परत जोना पेलुसिडा तक पहुंच पाए। एक बार जब ये जोना पेलुसिडा पे पहुंच जाते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं स्पर्म रिसेप्टर की मदद से, जिससे कि इनके अग्रपिंडक कई सारे एंजाइम्स को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है और ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला शुक्राणु जो यहां पर संपर्क करेगा वो अंड को निषेचित कर देगा। अब इस घटना से अंडाणु में कुछ बदलाव होते हैं, जिससे कि जो बाकी के शुक्राणु होते हैं वो इससे अटैच नहीं हो पाते हैं। ये अंडाणु कुछ रसायन भी उत्पन्न करने लगता है, जो शुक्राणुओं को बाहर की ओर धकेल देता है। अब जब ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है, तो जोना पेलुसिडा परत कड़ी हो जाती है, जिसमें कि स्पर्म फंस जाते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहर अब शुक्राणु अंडाणु से अटैच नहीं हो सकते हैं। अब इसी समय अंडाणु के अंदर कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैलने लगता है और इसके आसपास एक झिल्ली बनती है, जिससे कि मेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी ओर फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी विभाजित होना खत्म करता है और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। इसके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जब ये दोनों बन जाते हैं, तो मकड़ी के जालीनुमा कुछ संरचना, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इन दोनों को पास पास लाने लगते हैं। जब ये दो सेट क्रोमोसोम्स के
आपस में जुड़ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस समय एक अनोखा जेनेटिक कोड बनता है जो कि बताता है शिशु का लिंग, शिशु के बाल का रंग, आंखों का रंग आदि। अब ये युग्मनज धीरे धीरे अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक जाता है जहां पर जिसका अंतरोपण हो जाएगा और जहां पर ये आगे विकास करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक्रोसोमल प्रतिक्रिया यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन को समझते हैं। अब जब शुक्राणु अंडाणु की सरफेस अटैच होते हैं तो वो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें कि शुक्राणु का अग्रपिंड कुछ एंजाइम्स उत्पन्न करने लगता है जिसमें कि आते हैं हाइलोरिनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, अब हम इसको समझ लेते हैं। यह एंजाइम हाइलोरिनिक एसिड को लुप्त कर देता है जो कि फॉलिकल कोशिकाओं या ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के सीमेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम CPE। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। और तीसरा एंजाइम है जोना लाइजिन या एक्रोजिन। ये एंजाइम जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब द्विगुणित युग्मनज बन जाता है तो वो अंतरोपण से पहले विभाजित होता है जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं, यह एक युग्मनज है जिसमें कि विभाजन होता है और यह 16 कोशिकाओं में बदल जाता है जिसको हम ब्लास्टोमेर्स यानी कि कोरक खंड कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया निषेचन होने के 24 घंटों के भीतर में होती है। 3 दिन बाद ये कोशिकाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं जिससे हम कह सकते हैं तूतक यानी कि मोरूला। अब ये तूतक विभाजित होना जारी रखता है और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुट्टी नाम की संरचना में बदल जाता है जिसमें कि यहाँ पर पोष कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि प्लेसेंटा और दूसरी ब्लड वेसल्स को बनाने में मदद करती हैं। और यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है जो कि भ्रूण में बदल जाता है। आइए दोस्तों अब अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को समझते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अंतरोपण में होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय में पहुंच चुके हैं जहां पर ये कुछ स्राव को अवशोषित करने लगती है और कुछ दिन बाद ये गर्भाशय की अंतःस्थल पर जाके चिपक जाती है जिसे कि हम इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण कहते हैं। और यहाँ पर जो पित्त पिंडक होता है कॉर्पस लूटियम, जिस संरचना के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करने लगती है जिससे कि अंतरोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा और हमने अंतरोपण को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय
प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इसमें भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है, समझे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है, सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहां से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है, अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में, उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का,
उसके ऊपर 3 अंक का एक CVV नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। RBI कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। बेटा क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ अब अंदर चलो ना। माँ क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो, माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ वो आज से मेरा महीना शुरू शुरू हो गया बेटा। माँ भी दर्द वर्द नहीं है। आंगनबाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहली भी उन्होंने ही दी है। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या ना के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी।
हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे तीन चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक, साफ सफाई, दूसरा रखरखाव और तीसरा निपट निपटाओ। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में तीन बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रखरखाव के बारे में। इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छूमंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखें माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात, कपड़े के निपट निपटाओ की। इस्तेमाल के कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो, या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। अच्छा ले, अंदर जा। माँ, मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।